गरीबी निवारण कार्यक्रम तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम यानी कि पीएपी, तब इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि गरीबी निवारण के लिए जो कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं। गरीबी को निर्मूल करने के उपाय को व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सीधा प्रभाव हो, इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि गरीबी के जो है निर्मूल करने के लिए जो है कई सारे उपाय किए गए हैं, एंड इसलिए जो इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम वगैरह भी अमल में लाए गए हैं। तो गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों योजनाओं को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। एक के वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, स्वरोजगारी के कार्यक्रम, अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। तो यहाँ पे हमें बताया कि गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों की योजनाओं में जो है उसे मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, दूसरा है स्वरोजगारी के कार्यक्रम, उसके बाद है अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम किए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, और जो है शहरी गरीबी के निवारण के कार्यक्रम। वर्तमान में इन 5 क्षेत्रों में जो है अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में है, परंतु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं के निम्नानुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है कृषि विकास के बारे में बताया गया है। कृषि विकास, सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजनाओं में दर्शाए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सके जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो और गरीबी की स्थिति सुधरे, यह मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कृषि विकास में जो है जैसे कि सिंचाई, सड़क, फिर फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में जो है योजनाओं में दर्शाए गए कार्यों में जुड़कर रोजगारी प्राप्त करें जिसमें से जो है सीधी आय प्राप्त हो और गरीबों की स्थिति सुधरे, यह मुख्य रूप से उनका उद्देश्य है। उसके बाद बताया गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित करना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे संकट को दूर करने के छोटे बड़े माध्यम कद के चेक डैम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है। तो यहाँ पे हमें जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बताई गई है, इसमें यहाँ पे हमें बताई गई है कि सिंचाई के लिए जो है कई तरह से पद्धतियाँ वगैरह कुछ जो है अमल में लाई गई है जिससे कि कृषि की दर जो है वह बढ़े, जिसमें कि जो सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की जाती है, टपक पद्धति से सिंचाई करना, फिर जो है प्रत्येक खेत में जो है यहाँ पे जल संकट को दूर करने के लिए चेक डैम वगैरह बनाए जाते हैं कि जिससे जो है यहाँ पे किसान जो है अपने कृषि में जो है फसल में पानी वगैरह देते रहे और वह जो है खतरे से बचे तथा उन्हें कर्ज से बचाया जा सके और रोजगारी जो है वह प्राप्त करवा कर गरीबी से बाहर निकालने का उनके लिए यह प्रयत्न किया गया है। उसके बाद बताया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुगठित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाला नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है, भावों की स्थिरता के लिए क्षतिमुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत सुरक्षा बीमा योजना को जो है अधिक सुगठित करके उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से जो है किसान को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको समर्थन भाव से जो है कपास की खरीदी में जो है बोनस वगैरह दिया जाता है और फसल के नुकसान से जो है उन्हें हर्जाना देना शुरू किया जाता है, जिससे कि भावों की स्थिरता के लिए जो है क्षतिमुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की गई है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के विषय में बताया गया है। इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, क्षार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा तालाबों की खुदाई, वाटरशेड विकास, टांके निर्माण, वर्षा के जल का संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाने,
पेड़ पौधा लगाना, नवीनीकरण और चेकडैम द्वारा पुनरुद्धार करना रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहाय रूपी सहायता करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम में जो है यहाँ पे इसमें खेत के पानी को उपयोगी नहरों का जो है ढांचा सुधारा वगैरह किया जाता है और मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के लिए जो यहाँ पे ट्यूबवेल और पानी की जो है सुविधा करवाई जाती है लोगों को, जिसमें जो है टंकी वगैरह का निर्माण करवाया जाता है, पेड़ पौधे वगैरह लगवाई जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक सहायता रूपी यह होती है। उसके बाद हमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए खाद के संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए है। गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक से गरीब कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने भी जो है कृषि क्षेत्र के लिए कई सारे जो कदम है वह उठाए हुए और यहाँ पे जो है सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करवाई है। उसके बाद बताया गया है ई नाम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकते हैं, व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं, बिचौलियों दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करें, इस योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस योजना के अंतर्गत जो है किसानों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार तैयार किया गया है, जो किसान जो है जिसमें ऑनलाइन जो है यहाँ पे अपने उत्पादनों की सूचीबद्ध करा सकते हैं और बीच में दलालों के वगैरह द्वारा होने वाला जो नुकसान है उससे जो है किसान बच सकते हैं और उन्हें जो है अधिक मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार कृषि विकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाए जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहे, यह जरूरी है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से कृषि विकास और अधिक लाभ मिले इसके लिए जो है ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि किसान जो है कृषि व्यवसाय में जुड़े रहे। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है ग्रामोदय से भारत उदय के, ग्राम उदय से जो है भारत उदय का लक्ष्य किस तरह से रखा गया था। जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसान लक्ष्य योजनाओं में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद, कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद, अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन, जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद, पानी की टंकियों के निर्माण में मदद, बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन और कपास दलहन मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, उचित मूल्य मिलते रहे ऐसा प्रबंध, जल संग्रह के लिए जलाशयों में से काप निकालकर गहरा करना, बड़े करने खेत तालाबों का निर्माण, जलाशय के नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना और जल मंदिरों का पुनर्स्थापन जैसे और चेकडैमों की रिपेयरिंग और जल की संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो। इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसानों की जो है स्थिति में सुधार करने के लिए यहाँ पे जो है कई प्रकार के जो है सुविधाएं वगैरह दी गई है, जैसे कि जो यहाँ पे किसानों के खेत में वगैरह जो है वन्य प्राणी वगैरह आते हैं जिससे फसल का नुकसान हो तो उसके लिए तार की बाड़ वगैरह लगवा दी जाती है, आर्थिक मदद की जाती है, अकाल के समय जो है उनकी आर्थिक मदद की जाती है, पशु शेल्टर बांधने के लिए जो मदद है वह की जाती है, सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक की वजह से जो है बरसात की आगाही के बारे में जानकारी दी जाती है, खनिज क्षेत्र संशोधन के विषय में जो है
यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। और जो है जमीन का सर्वे रिकॉर्ड के रिकॉर्ड रखकर जो है कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर जैसी जो है यह सुविधाएं वगैरह दी जाती है। कम ब्याज दर पर खरीदने के लिए जो सुविधा प्राप्त होती है, किसानों को लोन और सब्सिडी प्राप्त होती है, पानी की टंकियों का निर्माण वगैरह करवाया जाता है तथा जो है यहाँ पे मसाले वगैरह के उत्पादन के लिए जो है कई प्रकार की लेबोरेटरी वगैरह स्थापित की जाती है कि जिससे उसका टेस्टिंग हो सके। उसके बाद जो है कृषि मंडली में कंप्यूटराइजेशन किया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसानों को कर्ज से उबारने के लिए कई प्रकार की जो है यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है। उसके बाद हमें बताया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना 24x47 रात दिन यानी कि जो है यहाँ पे हमेशा जो है दिन रात 24 घंटे जो है सतत बिजली की आपूर्ति करवाई जाती है। घरों और खेतों में जो है सस्ते दर पर बिजली प्राप्त करवाई जाती है। देश भर में बिजली की सुविधा के बिना जो है 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें वगैरह लगवाई गई है। नए पावर सब स्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद की जाती है और यह करके जो है गरीब किसानों की आय में सहायता करने का प्रयास किया गया है। सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करने सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सहायता की गई है। आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास योजना के अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए जो है फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद, सजीव खेती, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है। समृद्ध छात्रालय और स्मार्ट आश्रमशालाएं स्थापित की जाती है कि जिससे जो है यहाँ पे आदिवासी स्त्रियों महिलाओं को जो है मदद प्राप्त हो सके। उसके बाद है सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहन तो देने में रजिस्ट्रेशन में फीस में मदद, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद, किसानों को जो है शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाती है, कम दर पर जो है कर्ज जो है वह दिया जाता है, उचित बाजार व्यवस्था करने जैसे जो है कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल करना तथा कृषि खर्च में कमी हो इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि जिससे जो है आपके किसानों को जो है लाभ प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया है। गांव एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों और हाईवे से जुड़े रहे इसलिए जो है ग्राम पंचायत को मदद की जाती है। शौचालय निर्माण के कार्यों के लिए रोजगार लक्षी कार्यक्रम भी अमल में लाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसमें जो एक गांव दूसरे गांव के लिए तथा शहरों के साथ जुड़े इसके लिए जो है सड़क तथा हाईवे का निर्माण किया गया है। उसके बाद बताया गया है हमें कि माँ अन्नपूर्णा योजना, इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने भी अत्योदय परिवारों को और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रति परिवार प्रति मास 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में वितरण करना तथा गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज जिसमें गेहूँ 2 किलो रुपये प्रति ग्राम प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा देकर राज्य की 3.82 करोड़ की जनता को इस योजना के अधीन शामिल करके उसमें अन्न सुरक्षा प्रदान की है जिससे कि आय का बड़ा भाग अनाज पर खर्च होने से बचेगा। इससे इस बचत के माध्यम से अन्य उपभोग की वस्तुएं खरीदकर गरीब व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाकर जीवन स्तर में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमें जो है यह माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो है सरकार जो है ऐसी कुछ उचित मूल्य की दुकानें वगैरह रखती है जिसमें जो है किसानों को वगैरह के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है प्रति मास 35 किलोग्राम मुफ्त में अनाज का वितरण किया जाता है तथा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को जो है सस्ते दर पर अनाज प्राप्त होता है जिसमें कि जैसे 5 किलोग्राम जो है गेहूँ 2 रुपये के भाव से मिलते हैं, 3 किलो चावल मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 3.82 करोड़ की जो जनता है राज्य की उसमें जो है यहाँ पे सुरक्षा उन्हें जो है अन्न की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि जिससे जो है अन्न पर होने वाला जो खर्च है वह रुकेगा और जो है वे अपने उपभोग की कुछ दूसरी वस्तु ले सकते हैं जिससे कि गरीबों के चेहरे पर जो है मुस्कान आ सके और जो है गरीबी से बाहर आ सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना,
इस अंतर्गत सांसद द्वारा संसदीय क्षेत्र में दत्तक लिए गए गांव में शिक्षण, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की सुविधाएं बढ़ाकर आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श गांव की रचना द्वारा स्थलांतरण को रोकना और सार्वजनिक स्थायी संपत्ति तैयार करना, अच्छे जीवन स्तर का निर्माण करना, ग्रामोद्धार, सांस्कृतिक विरासत का जतन, सामाजिक समरसता के कार्यों द्वारा रोजगारी उत्पन्न करने के प्रयत्न करना, मानव विकास में वृद्धि करना जैसे उच्च उद्देश्य शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि संसद के द्वारा जो है यहाँ पे दत्तक लिए गए जो गांव वगैरह है वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं वगैरह जो है वह सब बढ़ाकर जो है आदर्श गांव की रचना की जाती है, जिससे कि जो है शहरों की तरफ होने वाला जो शहरीकरण है, स्थलांतरण जो है वह रुकेगा। उसके बाद हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना, तो मनरेगा रोजगार लक्ष्मी कार्यक्रम, हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम के नारे के साथ बहुत ही लोकप्रिय योजना, जिसमें कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहते परिवार के जो वयस्क सदस्य है 18 वर्ष के ऊपर शारीरिक श्रम कर सके, ऐसे बिन कुशल कार्य करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक परिवार के जीवन निर्वाह के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन की योजना 100 दिन की रोजाना 7 घंटे वेतनयुक्त रोजगारी देने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, मतलब मनरेगा जो है, वह जो है हमारे गांव में हमारा काम साथ में मिलता है उचित दाम, इस नारे के साथ जो है यहाँ पे राज्य में जो है गांव में रहते हुए परिवारों के लिए जो है एक यहाँ पे यह सुविधा की गई है कि 18 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति है जो कि शारीरिक श्रम कर सके और जो है वे लोग बिन कुशल कार्य करने के लिए इच्छुक है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे जो है अवसर प्रदान करवाए जाते हैं और उन्हें जो है यहाँ पे 100 दिन की रोजाना 7 घंटे वेतनयुक्त रोजगार देने का उद्देश्य जो है इस योजना का रखा जाता है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है, यदि काम मांगने के बाद काम देने में सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार बेकारी भत्ता चुकाया जाता है। यह ग्राम विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुएं, भूमि समतल करने के कार्य, बागायती कार्य, इंदिरा आवास योजना के मजदूरी के कार्य, पशुओं के चपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के यार्ड, कैनाल सफाई, जल संग्रह के कार्यों, मार्गों पर वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने की गारंटी देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस योजना में जो है यहाँ पे जो कि ऐसे जो कार्य किया जाता है जैसे कि जो व्यक्तिगत शौचालय बनवाना, कुएं वगैरह बनवाना, फिर भूमि समतल को जो है वह करवाना, बागायती खेती और इसलिए जो है यहाँ पे जैविक खाद बनाना, इस तरह से जो कार्य वगैरह जो है यह किया जाता है जिससे कि जो है वहाँ पे लोगों को रोजगारी दी जाती है। उसके बाद है मिशन मंगलम, इसके अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की महिलाओं को सखी मंडलों या स्वसहाय समूहों में जोड़कर कौशल वर्धक प्रशिक्षण देकर पापड़, अचार, अगरबत्ती जैसे गृह उद्योगों के विकास के माध्यम द्वारा रोजगारी आजीविका उपलब्ध करवाकर गरीबी रेखा के ऊपर लाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस योजना के अंतर जो है राज्य सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं, महिलाएं जो है उन्हें यहाँ पे जो है यहाँ पे सखियों द्वारा यानी कि जो है 2-4 लोगों का जो है साथ पाकर जो है अचार, अगरबत्ती, पापड़ वगैरह जैसे जो गृह उद्योग है उनके विकास के लिए जो है यहाँ पे उनको सहायता दी जाती है कि जिससे गरीबी रेखा के ऊपर आ सके। दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सहायता योजना, इसके द्वारा जो है सरकार हस्तकला और हस्तबुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगर को कच्चे माल की खरीदी के लिए कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस योजना के द्वारा जो है हस्तकला, हस्तबुनाई के कुटीर उद्योगों के कारीगरों के लिए जो है कच्चे माल के उन्हें जो आवश्यकता होती है जिसके लिए सरकार यहाँ पे जो है बैंक उन्हें जो है कम ब्याज दर पर ऋण देती है। उसके बाद है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उद्योगों की साहसिकता के लिए बेरोजगारी को ग्राम क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु तो प्लांट, यंत्र सामग्री, बिजली, जमीन आदि के लिए आर्थिक मदद, सब्सिडी देकर स्वरोजगारी के अवसर खड़े करने का उद्देश्य होता है कि इस तरह से जो है यहाँ पे लोगों को अवसर प्रदान किया जाए, उन्हें जो है यहाँ पे रोजगारी दी जाए। स्टार्टअप इंडिया में नए विचारों के साथ रोजगार, युवा उद्योग साहसिकों को प्रशिक्षण, मुफ्त बिजली, जमीन और आर्थिक सहायता भी दी जाती
है कि यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया में जो है नए विचारों के साथ साथ जो है रोजगार युवाओं को बिजली मुफ्त में दी जाती है, जमीन और आर्थिक सहायता भी दी जाती है, प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है। उसके बाद है वाजीपी बैंकेबल योजना, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष है और कक्षा 4 पास हो उन्हें प्रशिक्षण देकर उद्योगों के लिए या परंपरागत कारीगरों को धंधे के लिए नियत रकम कर्ज देकर स्वरोजगारी के कार्यक्रम को अमल में रखा जाता है कि जिसके द्वारा जो है उन्हें यहाँ पे रोजगारी प्राप्त हो सके। उसके बाद है एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, राज्य सरकार ने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात के सहायता एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना लागू की है जिसके द्वारा गरीबी में कमी की जा सके। तो यहाँ पे हमें बताया कि राज्य सरकार ने जो है प्रोसेस फूड प्रोडक्ट के निर्यात में जो है सहायता करने के लिए एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करके जो है 10 लाख लोगों को रोजगारी देने की यह योजना शुरू की है जिसके द्वारा जो है गरीबी में कमी लाई जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि गरीबी में कमी लाने के लिए जो है यहाँ पे सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं। धन्यवाद।